जहां पर जाति व्यवस्था इतनी प्रगाढ़ हो चुकी है कि हम अपनी जाति पे नाज करके ये दलित और पिछड़ा जो आज अंधविश्वास में इनको फूल बरसाए जाते हैं कि आप बस भोले बने रहिए, भांग और सुल्फा पी करके और ढोल नगाड़े बजाते रहिए, यही व्यवस्था इस देश का नाश कर रही है। इस देश में 33 करोड़ या 33 कोटि देवी देवता जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फूले और पेरियार ई रामास्वामी ने इन शास्त्रों के बारे में, इन धार्मिक शास्त्रों के बारे में जो वर्णन किया है उस पर हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगाई है कि ये सब रामायण महाभारत और वैदिक शास्त्र ये कपोल कल्पित कहानियां घड़ी गई हैं इस देश से बौद्ध धर्म और जैन धर्म को समाप्त करने के लिए। नमस्कार, सबसे पहले मैं आज बधाई देना चाहता हूं एमके स्टालिन जी और पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन रहे ईश्वरैया जी को कि उन्होंने अशोक गहलोत जी, चीफ मिनिस्टर राजस्थान, चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन जी और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बिहार और लीडर ऑफ अपोजिशन अखिलेश जी और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला जी और बहुत सारे लोगों को इनवाइट करके जो आज का प्रोग्राम रखा है उसके लिए मैं बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूंगा स्टालिन जी को और ईश्वरैया जी को। मित्रों, जब तक बराबरी गैर बराबरी रहेगी तब तक कोई इंसाफ नहीं होगा। इस देश के अंदर हमारे तीन हीरो थे, पेरियार ई रामास्वामी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और महात्मा ज्योतिबा राव फूले, जिन्होंने इस देश के अंदर अंधविश्वास और गुलामी की जो मानसिकता देश के अंदर हुई है, इसके मानसिकता गुलाम होने की वजह से ये देश मनोसमृद्धि की वजह से कंगाल हुआ, गरीब रहा। हमारे से बाद जापान, रूस, चीन जैसे देश आजाद होकर के आज 100% जो बुद्धिस्ट कंट्री हैं, जहां कोई देवी देवताओं का, अंधविश्वास का कहीं कोई स्थान नहीं है। कम से कम वो देश जो दुनिया को टेक्नोलॉजी के रास्ते आज हमें मार्गदर्शक बने हुए हैं, जापान 100% बुद्धिस्ट कंट्री है और जिसने दुनिया को रास्ता दिखाया जो 1945 में देश निर्बुद्ध हो गया। लेकिन इस देश में 33 करोड़ या 33 कोटि देवी देवता जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फूले और पेरियार ई रामास्वामी ने इन शास्त्रों के बारे में, इन धार्मिक शास्त्रों के बारे में जो वर्णन किया है उस पर हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगाई है कि ये सब रामायण महाभारत और वैदिक शास्त्र ये कपोल कल्पित कहानियां घड़ी गई हैं इस देश से बौद्ध धर्म और जैन धर्म को समाप्त करने के लिए। जो लिखा गया है वो कम से कम इस देश के विनाश के लिए बहुत बड़ा एक फसाद खड़ा आज भी करता है। ढोल ग्वार सुंदर पशुनारी सकल ताड़ना के अधिक बहुत सारे जेल में जा चुके हैं। जिस दिन से मोबाइल अस्तित्व में आया है हम और आप बैठ करके इसके ऊपर आज चर्चा कर रहे हैं, कम से कम इसमें अब बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी। बहुत देर हो चुकी है। इस देश की गरीबी का जो मूल कारण है वो है हमारा ऊंच नीच पैदा करने वाला जो धर्म जिसको हम हिंदू धर्म कह रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारे के कोई शब्द इन शास्त्रों में हिंदू नाम का नहीं है। ये तो महात्मा गांधी ने कि कहीं ब्राह्मणवादी व्यवस्था ये माइनॉरिटी में ना आ जाए तो बाकी के लोगों को सब दलित पिछड़ा जिसको हम मूल निवासी कहते हैं इनको जोड़ करके ये जो 80% लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया है। जब हमें अधिकार देने हैं तब तो हम दलित और पिछड़े हैं,
लेकिन जब हमें वोट लेने हैं हमारे से तब हम हिंदू हैं। यही एक देश की बदकिस्मती है कि जिसको वामन मेश्राम जी ने बहुत सही शब्दों में कहा कि जब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा तब तक इस देश को बिना सत्ता के हम इंसाफ नहीं दिला सकते। अगर इंसाफ दिलाना होगा तो सबसे पहले मानसिक गुलामी और जातीय व्यवस्था जो है इसको खंडित करके हमें बराबरी करनी होगी जैसे बाकी के देशों में है, जहां पर जाति व्यवस्था इतनी प्रगाढ़ हो चुकी है कि हम अपनी जाति पे नाज करके ये दलित और पिछड़ा जो आज अंधविश्वास में इनको फूल बरसाए जाते हैं कि आप बस भोले बने रहिए, भांग और सुल्फा पी करके और ढोल नगाड़े बजाते रहिए, यही व्यवस्था इस देश का नाश कर रही है। जबकि हमारे देश के अंदर अगर हम चाहते हैं कि ये देश आगे बढ़ जाए तो इस स्वर्ग नरक के डर से बाहर निकलना हो, अन्यथा स्वर्ग और नरक के नाम पर इस देश को लूटा गया है। इस देश को कर्म के भरोसे नहीं भाग्य के भरोसे स्टार्ट किया गया है। क्या होता है स्वर्ग? किसी के घर में दाल दाना पानी अच्छा है, समाज में इज्जत है, घर में कलेश नहीं, मुकदमा बीमारी नहीं तो घर स्वर्ग है। उसकी बनिस्पत जहाँ भाई भाई दो दो ही जमीन के लिए घूर्णी दुश्मन हो रहा, वहां जो है आप सब जानते हैं कि या किसको पैरालाइज हो गया एक्सीडेंट में, कहीं उसके कोमा में चला गया, इन बिटवीन जो है ना वो जो व्यक्ति पड़ा हुआ जिसको कीड़े पड़ गए वो यही नरक और स्वर्ग भोगता है। आसमानों में कहीं स्वर्ग या नरक नहीं है। इसी डर की वजह से कि पुनर्जन्म में आप जो भी कमाओ इस दलित और पिछड़े मूल निवासियों को बस यही समझाया गया कि जो कमाओ हमें दान पुण्य कर दो और फिर हम जो है ना स्वर्ग में आपको भेज देंगे। स्वर्ग से आकर के किसी ने आज तक बताया नहीं कि मैं स्वर्ग पहुंच गया और जाके किसी ने देखा नहीं। इसी व्यवस्था के कारण ये पूरा देश लूट रहा है। मित्रों मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं राजनीति में तभी जा पाएंगे जब हम अंधविश्वास से बाहर निकलेंगे। हमारा दलित और पिछड़ा सिर्फ मानसिक गुलामी की वजह से आज हालात से बेबस उन बाबाओं के चक्कर में, उन पंडित पुजारियों के चक्कर में फंसा हुआ है जो कर्म के भरोसे नहीं भाग्य के भरोसे उनको डाल रहे हैं और डर दिखा दिखा करके लूट रहे हैं। मित्रों आज ये व्यवस्था जो आज स्टालिन साहब के प्रयासों से, ऐश्वर्या जी के प्रयासों से जो ये आज का प्रोग्राम रखा गया, मैं उनको पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ और इतने सारे लोगों को आपने जोड़ा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।